चलांदे मेरे शो ननंदे मेरे प्यार तो 20 सितंबर सामने आज विशेष तो ठुलांदे मेरे शो ननंदे मेरे प्यार तो 20 सितंबर सामने आज विशेष आज मैं तीम ते बताने वाले से चीज छवा ऑनलाइन ऊंचान कटाई बुनाई प्रतियोगिता का अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 था और 54 भागीदारियों ने जो है अपनी भागीदारी दिखाई और टोपियाँ काफ़ी लोगों का आ चुका है, अभी भी आ रहे हैं तो आप आराम से जो है जो लोगों ने अभी तक टोपी नहीं भेज पाए हैं वो अपना टोपी भेज सकते हैं पार्सल द्वारा। तो आज मुझे एक और पार्सल प्राप्त हुआ है, यह है भवानी पांक्ति जी, है ना भवानी पांक्ति जी, आपका ये पार्सल मुझे प्राप्त हो गया है। आप को 5 टोपी के अलावा आपने जो बेहतरीन अपने कार्यक्रम 5 टोपी के दौरान दिखाया था उसके लिए आपको और अधिक टोपी बिनने के लिए चीचवा चैनल ने अनुरोध किया था और आप उसमें खड़े उतरे, तो ये मेरे पास ये पार्सल पहुंच चुका है। अब मैं इसको खोलता हूं, बहुत बढ़िया पैकिंग कर रखा है आपने तो, क्योंकि इसको जो है खोलना है और ये भी ध्यान रखना है कि कहीं कुछ मेहनत में पानी न फट जाए, तो कटिंग जो है ढंग से करना पड़ रहा है और कोई नुकसान ना हो अंदर। यस तो तले को नो, यस ये कर लिया मैंने। अरे बहुत बढ़िया पैकिंग जो है श्रीमती भवानी पांक्ति जी, आपने अपनी प्रस्तुति और जो अंतिम प्रस्तुति थी आपकी तो वह लाजवाब रही। क्या बात, क्या आपने जो हर संस्कृति के बारे में जो सभी पूर्वजों को छेद करिए बोली बहुत बढ़िया लाइक। तो ये सारी टोपियाँ अभी आपका मुझे ये प्राप्त हो गया है, देखते हैं कितना टोपियाँ भी आज भेजा है। 1, 2, 3, 4, 5 तो आपने भी बहुत बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी दिखाई है, बहुत बढ़िया बढ़िया टोपी। तो इस तरह का टोपी है ये, तो हालांकि यहाँ पर गर्मी है लेकिन फिर भी देखकर मन करता है कि इसका मैं आनंद लूँ। आपके हाथों के द्वारा बना हुआ टोपियाँ हैं ये हो गया, और ये टोपियाँ जो आपने कोशिश किया था कि मैं 100 का टोपी बनाऊँ, जो हमारे अच्छे जब भी शुभ कार्य होता है तो सभी टोपी हम लोग बनते हैं, और इसमें ये खास बात है कि आपने जो है इसमें कॉल कुफू का डिज़ाइन ये लगाया है, तो ये प्रतियोगिता में इस तरह की बातें उभर के आ रही है। ये देखो बिल्कुल जो है ये जो है ये है ना, तो यस लगनू ना लगनू में होक दे और इससे तो सोकाओं का आपने एक पायदान आगे बढ़ा दिया है। सो सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर ये टोपी आपको पसंद आ रहा है तो श्रीमती भवानी पांक्ति अल्मोड़ा में है, उनको आप जो है अपना ऑर्डर दे सकते हैं। सकून सिर में ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात हमारे सभी ईश देव प्रकट हो गए हों। सफेद टोपी अच्छे दिन शुभ कार्य में पहना जाता है और 12 महीने हमारे पूर्वज इस तरह की टोपी पहना करते थे और आपने एक ताज दे दिया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आपका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमन। और भी टोपियाँ ये आई तो इस तरह से जो है ये 5 टोपियाँ श्रीमती भवानी पांक्ति जी का आ गया है, और भी लोग जो है अपना पार्सल के द्वारा या कुछ लोगों ने जो है छिलादिगा रेस्टोरेंट हल्द्वानी में भेजा है तो वहाँ से मैं कलेक्ट कर लूँगा। अब समय है 23 अप्रैल 2024 को, 23 अप्रैल 2024 को जो है ये रिजल्ट घोषित होगा। देखते हैं कौन प्रतिभागी प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं, तो कोशिश यही रहेगी और मेरा तमाम निर्णय मंडल से अनुरोध है कि वो अपने निर्णय जो है अब जल्दी भेज दें ताकि हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि सभी प्रतिभागियों को हम जो है एक सर्टिफिकेट देंगे, प्रशस्ति पत्र, तो उसकी भी तैयारी चल रही है।
और मुझे बहुत बेहतरीन लगा कि सभी लोगों, जब मैंने पहला लिस्ट मैंने कहा निकाला था तो उसमें कुछ नाम ऊपर नीचे या कुछ रह गया था, तो उसको जो है अब करेक्ट करके जो है अगले वीडियोस में मैं डालूंगा कि जो चवन के चवन लोगों का नाम जो है उसमें आ जाए। सो बहुत से लोगों ने 5 टोपी भेजा, बहुत से लोगों ने उनके प्रस्तुति के अनुसार उन्होंने और टोपी भेजा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सारी टोपियाँ जब मेरे हाथ से, मैं उस फीलिंग को जो है बयान नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा सभी जो भी यंग जनरेशन है और हम लोग जो है दिल्ली में बैठे हैं या अन्य जगह बैठे हैं, कृपया करके ज़रूर जो लोकल हमारे प्रोडक्ट्स हैं, टोपियाँ हैं, मफरल हैं, स्वेटर हैं, ज़रूर अपने गांव से 10-10, 15-15, 20-20, 50-50, 100-100 अपने साथ जाड़ों में ज़रूर लेके आए, ताकि जिस तरह का एक फैशन है, कोई आता है तो हम लोग जो है कुछ गिफ्ट देते हैं या किसी को ज़रूरत होती है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे मैं हूँ, अपने साथियों का जब मैं ये दिखाऊँगा ना, ये ऑटोमेटिक वो मांगते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती है। कहते हैं ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ये मुझे दो, होड़ सी लगी रहती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जितनी भी टोपियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं वो सब टोपियाँ मैं अपने भाग्यशाली, वो कहूँगा मैं उनको, क्योंकि हर किसी को तो दे नहीं पाऊँगा, वही भाग्यशाली होंगे जिनको जो है इस तरह का टोपी होगा। और कई सारी टोपियाँ जो मुझे पसंद है, मैंने खुद एक बक्सा बनाया हुआ है और उसमें मैंने रखा हुआ है, और हमेशा मैं उन टोपियों को अपने पास ही रखूँगा। तो चेचवा चैनल मैं आप लोगों का भागीदारी बहुत अच्छा रहा, कोई शब्द नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मदागार चेचवा। तो एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा कि चेचवा चैनल कोई लाइक एंड सब्सक्राइब न करें, बस जो लोग इस विषय से जुड़ना चाहते हैं वही चेचवा चैनल को देखें तो मुझे अच्छा लगेगा। वास्तविक चीज़ों का ही हमने करना है, बस जो हमारा बॉर्डर में बनते हैं, जो बॉर्डर की बातें होती हैं वही चेचवा चैनल में रखने की कोशिश किया है। मैं अपना खुद का व्यक्तिगत वीडियो भी डालता हूँ जिससे कि औरों को भी लगे हाँ हम यहाँ पर हैं, तो अपने लिए भी समय निकालना अनिवार्य है। तो की कलाती मदागार चे चवा। धन्यवाद।